आप तो भी बना मतलब कैसे आप लोग, तो आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट है बहुत इसके अंदर वैरायटी अवेलेबल है। ऑप्शन की बात करूँ मैं, चाहे आप सस्ते सस्ता पकड़ लो, महंगे से महंगा पकड़ लो, कम रेंज वाला पकड़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज वाला पकड़ लो। तो ऐसे में जो हम जैसे मिडिल क्लास है, हम आप जैसा जो पैसे बचाने की सोचता है, वो अब स्विच कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस इससे बढ़ गए हैं। अब वो कुछ भी रीजन हो एक्स वाई जेड, उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं करूँगा जरूर। तो बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ गई, उस वजह से जो खर्चे बढ़ गए मिडिल क्लास के, तो इस वजह से बचाने के लिए वो स्विच कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। और चाहता है कि भैया खरीद तो ले, मगर उसकी रेंज हमें काफी अच्छी मिल जाए, जैसे कि हमारे मंथली काफी पैसा बचे। तो अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हो, तो इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे स्कूटर लेके आओ जिनकी रेंज 236 किलोमीटर तक की है। मतलब कुछ स्कूटर ऐसे मिल जाएंगे आपको इसके अंदर जिसकी रेंज 236 तक की होगी, सॉरी 236 तक की होगी। तो आप लोग साथ में डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, क्योंकि इस चीज में मैं पूरा डिटेल बात करूंगा कि क्या क्या इसके अंदर मिलता है कंपनी तरफ से, प्राइस फीचर स्पेसिफिक सब बताऊंगा मैं। टेंशन मतलब आराम से चिप अपना अवेलेबल। तो अगर आप लोग जानना है कि कौन से ऐसे स्कूटर हैं जिनकी रेंज काफी अच्छी है और उनको आप लोग खरीद लोगे, और इन सब पे आपको सब्सिडी मिलेगी, मेन मुद्दा ये है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ये होता है कि आप पैसे लगा देते हैं, सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी, लोगों में हमसे डाउट रहता है, ये डबल मार्केट चलते रहते हैं। तो जितने भी मैं स्कूटर लेके आया स्कूटर के अंदर, उन सभी पे आपको सब्सिडी मिलेगी। तो टेंशन की बात नहीं, देख रहे हैं अगर आप भी प्लानिंग करें तो। और वीडियो स्टार्ट करने पहले आप जो अपनी स्क्रीन पे लाल बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, उसे दबा के उसका कलर चेंज कर दो। जो भी आपकी स्क्रीन पे कलर चेंज हो सकता है वो कर दो, और वो कलर वैसे ही चेंज रहना चाहिए, वरना आवन जावन नहीं रहेगा ना इसलिए। और आवन जावन लगा लेना चाहिए जिंदगी के अंदर, तभी मजा आता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहला स्कूटर है वो है बजाज चेतक। बजाज ऑटो ने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को शानदार लुक के साथ उतारा है मार्केट के अंदर, जैसे कि आपको पता है चेतक कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसे पिछले साल के अंदर लॉन्च किया था कंपनी ने। चेतक इलेक्ट्रिक के आपको दो वेरियंट मिलते हैं, एक है एंट्री लेवल अर्बन और दूसरा है टॉप एंड प्रीमियम। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको 3.8 किलोवाट की पावर से लेकर 4.1 किलोवाट की पीक पावर जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है। इस स्कूटर की खास बात यह है कि इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिक है, जिसकी वजह से इसकी जो पावर है वो रियर व्हील्स पे है। अगर मैं इसकी बैटरी और रेंज की बात करूँ तो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको 3 किलोवाट की लिथियम बैटरी मिल जाती है, और कंपनी दावा करती है कि जो स्कूटर है फुल चार्ज होने के बाद इको मोड के अंदर आपको 95 किलोमीटर की रेंज देगा और स्पोर्ट मोड के अंदर 85 किलोमीटर की रेंज देगा। हालांकि जो रेंज है ये वेरी करेगा आपके चलाने के तरीके के ऊपर और रोड की कंडीशन के ऊपर। इसके साथ ही इसके अंदर आपको DIL, LED हेडलैम्प, फुल LED डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं, और ऑब्वियसली बात है इस पर सब्सिडी आपको मिलती है। और कंपनी अपने स्कूटर की बैटरी को लेकर दावा करती है कि इसकी जो बैटरी है फुल चार्ज हो जाएगी 5 घंटे में, और बजाज चेतक के अंदर फास्ट चार्जिंग भी मिलती है आपको, जिससे कि ये बैटरी और जल्दी चार्ज हो जाती है। बजाज कंपनी के अकॉर्डिंग चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी की जो लाइफ है वो 17,000 किलोमीटर या 7 सालों तक की है। और अगर मैं वारंटी की बात करूँ कि बैटरी पर कितनी वारंटी दे रही है, तो उसकी होगी लाइफ की, कि अगर वारंटी खत्म हो जाए तो अभी ये बैटरी कब तक चलेगी। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी वारंटी की, तो कंपनी ने अपनी इस बैटरी पर 3 साल की या 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी देती है। और मैं आपको ये बता दूँ, आप जो चेतक इलेक्ट्रिक लोग हैं ये फर्स्ट ओनर को ही मिलेगी वारंटी। अगर आप लोग उसको बेच दोगे तो जो उसका सेकेंड ओनर होगा उसको वारंटी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, अगर वो चाहता है कि वारंटी का फ़ायदा मिले, नहीं मिल पाएगा उसको, क्योंकि वो सेकेंड ओनर होगा। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि स्कूटर को हम खरीद लेते हैं और कमर्शियल यूज़ के लिए लगा देंगे सामान ले जाने लाने के लिए, तो भी ये एक वारंटी ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो पुणे के अंदर इसकी जो प्राइस है वो 1,42,000 से स्टार्ट होती है, और ये एक्चुअल प्राइस है। तो जो दूसरा स्कूटर है वो है TVS iQube का नया एडिशन, जो 2022 के अंदर लॉन्च हुआ है। 3 वेरियंट एक्चुअल में लॉन्च हुए हैं, एक है TVS iQube, दूसरा TVS iQube S, तीसरा है TVS iQube ST। तो बात करते हैं इन सभी स्कूटर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि TVS कंपनी ने आज मतलब 18 मई को अपने iQube का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है, और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस उन्होंने रखी है वो रखी है 98,000 रुपये, जो कि ऑन रोड प्राइस है, और इस पर ऑब्वियसली बात आपको सब्सिडी मिलेगी। 2022 TVS iQube की खासियत की बात करूँ तो इसके ST वेरियंट की जो रेंज है वो 140 किलोमीटर तक की है, और इसके अंदर 32 लीटर का आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है। और जो नई TVS iQube आई है 2022 के अंदर, वो आपको 10 कलर ऑप्शन में अवेलेबल होती है, मतलब ओला के बराबर ही आपको कलर ऑप्शन मिल रहे हैं 10। और इसके 3 अलग अलग वेरियंट कंपनी ने लॉन्च किए, और सभी में अपनी अपनी अलग खूबियाँ हैं। और अगर मैं कॉमन फीचर की बात करूँ इन तीनों स्कूटर की, तो इसके अंदर आपको कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म स्मार्ट एक्स कनेक्ट को नए स्कूटर के साथ स्टैंडर्ड तौर पर पेश किया गया है। iQube बेस में 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है आपको, और iQube S को HMI इंटरेक्शन के साथ 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है आपको,
जबकि टॉप लाइन आईक्यू एसटी के अंदर भी आपको 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है, मगर वो डिस्प्ले टच स्क्रीन होता है। बाकी दोनों वेरिएंट के अंदर टच स्क्रीन नहीं है, बस ये टॉप वेरिएंट के अंदर ये टच स्क्रीन है। और अगर मैं तीनों वेरिएंट की कीमत की बात करूँ तो आई क्यूब की जो कीमत है स्टैंडर्ड वाले की वो 58,000 रुपये है, और ये प्राइस दिल्ली के अकॉर्डिंग है, और स्टैंडर्ड की प्राइस बेंगलुरु के अंदर है 1,11,000 रुपये के आसपास, जबकि एस वेरियंट की जो कीमत है वो है 1,08,000 रुपये दिल्ली में, और बेंगलुरु में जो इसकी प्राइस है वो 1,19,000 रुपये है। और टॉप वेरियंट की जो कीमत है मतलब एस टी वेरियंट की, उसकी अभी तक प्राइस कंपनी ने नहीं बताई है, मगर आप लोग इसको बुक करा सकते हो सिर्फ 1,000 रुपये देके। टीवीएस आईक्यूब के न्यू जनरेशन के अंदर आपको 21,700 लियोन बैटरी मिलती है, जहाँ आईक्यूब के दोनों वेरियंट में अलग अलग रेंज मिलती है। वो कंपनी का कहना है कि टीवीएस आईक्यूब के एस वेरियंट में आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिलती है, वहीं टीवीएस आईक्यूब एस टी वेरियंट के अंदर आपको 140 किलोमीटर की रेंज मिलती है। और इनकी बैटरी की खास बात यह है कि इसके अंदर जो लगी बैटरी है वो पूरी तरह से बीएमएस है, मतलब मेड इन इंडिया है। नई टीवीएस आईक्यूब 2022 के अंदर IP67 रेटेड और IP156 रेटेड बैटरी मिलती है आपको, और 2022 टीवीएस आईक्यूब जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और साथ इसके अंदर आपको चार्जर के लिए भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि 650 वोट, 950 वोट और 1.5 किलो वाट, ये तीनों अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। आप उस हिसाब से अपना चार्जर सेलेक्ट कर सकते हो, कहीं भी प्लग इन चार्ज कर सकते हो, ये भी ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है। तो जो अगला स्कूटर है वह Ather 450X Generation 3, क्योंकि ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है, कंपनी ने जो अपडेट किया है उसके अंदर काफ़ी सारे अपडेट किए हैं। तो बात करते हैं इसके डिटेल में। तो पहले तो बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन Ather 450X के बैटरी के। कंपनी ने इस स्कूटर में इस बार पहले से ज़्यादा बड़ी और पावरफुल बैटरी दी है, जो दूसरी जनरेशन से कुल 25% बड़ी है। 450X Generation 3 एक बड़े 3.7 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आती है, जो सबसे ज़्यादा रेंज देने का दावा करती है। इसके साथ ही इसको इको मोड के अंदर आप लोग 146 किलोमीटर तक आराम से चला सकते हो, मतलब इतनी रेंज जाएगी इको मोड के अंदर, जबकि इस स्कूटर की जो ट्रू रेंज है इको मोड के अंदर वो 105 किलोमीटर तक की है। पहले के मुकाबले इसकी जो रेंज है 85 किलोमीटर तक बढ़ गई है। इसके बैटरी पैक के बड़े होने के साथ साथ इसके अंदर आपको एक बड़ा और चौड़ा रियर सेक्शन वाला टायर मिल जाता है, जो कि 100/80, जिसके साथ ही काफी अच्छा ग्रिप देता है रोड पे। इसके साथ ही इसमें पीछे बैठने वाले लोगों के लिए एक नया साइड स्टिरअप मिलता है आपको, जो दोनों तरफ पैर रखने में काफी मदद करता है। नेक्स्ट जन Ather 450X के अंदर आपको 1 GB रैम की जगह 2 GB रैम मिलेगी, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा। इस स्कूटर में इस बार कई तरह के नए अपडेट मिले हैं। इसके साथ ही इसके अंदर 7 इंच का TFT डिस्प्ले भी दिया गया, जो कि इनपुट देने पे और तेजी से प्रोसेसिंग करता है, और तेज प्रोसेसिंग के लिए इसके अंदर 1 से 2 GB रैम का अपग्रेड किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन Ather 450X के अंदर आपको वॉइस कमांड का फीचर मिल जाता है, जो कि कई लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो। अगर राइडिंग मोड की बात की जाए तो इसके अंदर आपको टोटल 5 राइडिंग मोड मिलते हैं, जो कि इको, स्मार्ट इको, राइड, स्पोर्ट और रैप। और अगर कीमत की बात की जाए तो कीमत तो कंपनी थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि नई बैटरी डाली, मतलब बड़ी बैटरी डाली और काफ़ी सारे फीचर डाले हैं, तो इसकी कीमत है वो 1,70,000 से लेकर 1,40,000 तक है। और इसकी जो प्राइस है दिल्ली के अंदर वो पहले के मुकाबले 1,000 रुपये ज़्यादा है, मतलब सिर्फ 1,000 रुपये दोगे तो आपको नेक्स्ट जनरेशन का Ather 450X मिल जाएगा दिल्ली के अंदर। हालांकि जो प्राइस है दूसरी स्टेट में ज़्यादा या कम हो सकती है, ये मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर पूरी कंट्री में बात करूं कि कितनी प्राइस बढ़ी है, तो ये बढ़ी है 1,000 से लेकर 7,000 रुपये तक। तो जो अगला स्कूटर है वो सिंपल वन चार्ज कर सकते हो, ये भी ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है। तीसरा स्कूटर है सिंपल वन। सिंपल एनर्जी ने कहा था कि अपने स्कूटर का जून में डिलीवरी स्टार्ट कर देगी, मगर उसने डिलीवरी अभी पोस्टपोन कर दी है, मगर आप लोग इसकी बुकिंग करा सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाके 1947 रुपये देखें, जो कि पूरी तरह से रिफंडेबल है। सिंपल वन आपको 4 कलर ऑप्शन मिलेगा, और इस स्कूटर के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो लिथियम आयन है, और सिंपल एनर्जी अपने सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी और चार्जर पर 3 साल की वारंटी दे रही है। और अगर मैं फीचर की बात करूँ सिंपल वन की, तो सिंपल वन के अंदर रिमोट लोकेशन, डिजिटल डिस्प्ले के साथ 7 इंच का टच स्क्रीन, और इसके अंदर आपको मोबाइल ऐप की फैसिलिटी मिल जाती है, जिससे कि आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब ब्लूटूथ के थ्रू स्कूटर से कनेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ ही इसके अंदर आपको वाईफाई, फास्ट चार्जिंग, लास्ट लोकेशन सेव करने के लिए फैसिलिटी दी हुई है, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, सिक्योरिटी के लिए जियो फेंसिंग, डिजिटल टच स्क्रीन के साथ कॉलर कनेक्ट। इसके साथ ही इसके अंदर आपको स्पीकर की फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि आप लोग कहीं जा रहे हो, लंबे जा रहे हो, तो आप लोग गाने सुन सकते हो। और सिंपल वन के अंदर आपको 30 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोग हेलमेट साथ कई सारे ज़रूरी सामान रख सकते हो। और इस स्कूटर के अंदर एक फीचर काफ़ी अच्छा है, जो कि है ब्राइटनेस लेवल को मैनेज करना। जैसे कि दिन में आप निकल रहे हो तो आपको ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर दो, रात में कम चाहिए तो कम कर दो, जैसे कि आपके फ़ोन में होती है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ सिंपल वन की, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है वो 4,500 वोल्ट का पावर जनरेट करती है। इसके साथ इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो 4.8 किलोवाट की है, और लिथियम बैटरी है। और ये स्कूटर 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर सकता है, और इसका जो ड्राइव सिस्टम है वो चेन ड्राइव सिस्टम है। अगर मैं फ्यूल परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो फ्यूल तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसकी जो टॉप स्पीड है वो 105 किलोमीटर पर आवर की है, और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 236 किलोमीटर तक की है,
मगर इसको आप लोग 300 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हो एडिशनल बैटरी लगा के। और ये स्कूटर 0 से 40 की स्पीड सिर्फ 2.9 सेकंड में ले लेता है। अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो बैटरी चार्जिंग को लेके कंपनी कहती है कि 1 घंटे 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है, और ये 2000 चार्ज हो सकती है चार्जिंग स्टेशन पे और आपके घर पे, क्योंकि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर मैं इसकी वेट और कैपेसिटी की बात करूँ तो इसका जो कार वेट है वो 110 किलोग्राम का है, और इसकी जो स्टोरेज स्पेस है वो 30 लीटर्स का है। अगर मैं इसके व्हील टायर और ब्रेक की बात करूँ तो इसके जो टायर है ट्यूबलेस है और अलॉय व्हील मिल जाते हैं आपको इसके अंदर, और इसके फ्रंट और रियर व्हील का जो साइज है वो 304.8 मिलीमीटर का है, मतलब 12 इंच का है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको सारी लाइटें एलईडी मिल जाती है, चाहे हेडलाइट हो, चाहे टेल लाइट हो, चाहे टर्न सिग्नल लैंप हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो कि है ब्रेजन ब्लैक, नामा रेड, आजोर ब्लू और ग्रेस वाइट। इसकी जो प्राइस है वो 1,09,999 रुपये है, और इस पर आपको सब्सिडी मिलेगी, जो कि सब्सिडी मिलने के बाद काफ़ी कम हो जाएगी। इसकी सब्सिडी आप लोग चेक कर सकते हैं अपने स्टेट में गवर्नमेंट के हिसाब से। तो जो अगला स्कूटर है वह है ओला S1 Pro। ओला S1 Pro की जो प्राइस है वो 1,40,000 रुपये है, जो कि एक्सशोरूम प्राइस है। ओला S1 Pro के अंदर आपको 8.5 किलोवाट की पीक पावर जनरेट करने वाली मोटर मिल जाती है। इस स्कूटर के अंदर आपको एडिशनल बैटरी का ऑप्शन मिलता है, जो कि ऑप्शनल है परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने के लिए, जिसके बाद कंपनी दावा करती है इसकी रेंज 181 किलोमीटर तक की हो जाएगी। इसकी टॉप स्पीड जो है वो 115 किलोमीटर पर आवर की है, और इसके अंदर आपको 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर। और ये स्कूटर 3 सेकंड में 0 से 40 की स्पीड पकड़ लेता है। ओला इलेक्ट्रिक को फिजिकल चार्जेस नहीं मिलती है। जब आप लोग ये स्कूटर लोगे तो आप लोगों का फ़ोन इससे पेयर किया जाएगा, जो कि आपका फ़ोन ही की तरह काम करेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको स्कूटर को लॉक अनलॉक करने के लिए फ़ोन पास रखना पड़ेगा, उसके बिना भी हो जाएगा। तो अगर आप लोग भी ज्यादा रेंज वाले कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे थे तो आप लोग इनमें से कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो। ये सभी के सभी अच्छे स्कूटर हैं, रेपुटेड कंपनी के हैं, और अच्छी रेंज प्रोवाइड कराते हैं, फीचर आते हैं, और प्लस सब्सिडी भी मिलती है। ऑब्वियस बात है दिल्ली के अंदर मिलती है, बाकी स्टेट में आपको उसकी लिस्ट में एक डिस्क्रिप्शन डाल दो, आप वहाँ चेक कर सकते हो कि आपको स्टेट के अंदर सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि लिस्ट जारी की है गवर्नमेंट ने कि कौन कौन से स्टेट के अंदर कैसे कैसे सब्सिडी मिलती है आपको, तो आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग इनमें कोई सा भी कंसिडर करते हो लेते हो तो मेरे को जरूर टैग करना किसी प्लेटफॉर्म पे, मैं सब जगह अवेलेबल हूँ, बस टिंडर पे नहीं हूँ। हाँ टिंडर पे नहीं हूँ, मतलब मेरे पास कैसे जाएगा टिंडर पे, इसीलिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है किसी व्हीकल को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम मीडिया पर पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि उस चीज़ पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ तो भी आप लोग बता सकते हो, मैं अपनी रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन जुटा के बना दूँ आपके लिए। बाकी इसी वीडियो से इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी, मीटर लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तुरंत बाय बाय, टेक केयर।